दर्शन न्यूज। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस, सरकार व के पाठक के खिलाफ जमकर लगे नारे, राजकर्मी का दर्जा मिलने से पहले ही नौकरी जाने का भय। शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने कटिहार शहरी क्षेत्र के राजेंद्र स्टेडियम से शहीद चौक तक मशाल जुलूस निकालकर जोरदार ढंग से इसका विरोध किया गया है। इस दौरान शहीद चौक लगभग 30 मिनट तक रहा जाम। वही शिक्षकों द्वारा मुख्यमंत्री व के पाठक हाई हाई के नारा लगाया गया। कार्यक्रम के संयोजक अबुल कलाम आजाद ने कहा कि शिक्षा विभाग का फैसला नियोजन नीति के खिलाफ है। नियोजन के बाद बिहार सरकार ने दक्षता परीक्षा पास करने के क्रम में कहा था कि जो शिक्षक पास करेंगे वे 60 साल तक नौकरी में बने रहेंगे, और अब सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों को हटाने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रही है। अब सक्षमता परीक्षा लेने की बात भी की जा रही है, जिसके खिलाफ नियोजित शिक्षक संघ विरोध जता रहा है। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी को विधानसभा में जोरदार विरोध किया जाएगा, इसके लिए आंदोलन जोरदार होगा। उक्त मौके पर जिले के सैकड़ों नियोजित शिक्षक इस मशाल जुलूस में शामिल थे। कटिहार से रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट। 17 साल से अब 3 जिला का अफसर है, मतलब 15 साल जा बाद भी जाएंगे तो अलग जिला जाए, बच्चे के पास होने के बाद नहीं जाएंगे। सरकार शुरू से ही महिला के अंदर बहुत गलत कर रही है, सभी शिक्षक का गलत कर रही है। यहाँ तो ऐसा हो कि बहुत का परिवार टूट रहा है, महिला का परिवार टूट रहा है, वो टूटने के कगार पे है। सरकार चाह रही है पता लग हो जाए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि के पाठक जो है के पाठक अपना ये वापस ले। हम लोग को एग्जाम ऐसा नहीं एग्जाम के डरते हैं, एग्जाम में 15 साल से नौकरी पढ़ा रहे हैं। बिहार में बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो रहा है, एक तो सरकार कहती है कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट बहुत अच्छा है बिहार का, 98% पास करते हैं, किसके बदौलत? हम ही टीचर पढ़ाकर उनको पास करवाते हैं, हम ही पढ़ाते तो वो पास होते हैं, तो फिर हम लोग काबिलियत क्यों नहीं है? काबिलियत है हम लोग में, पास कर सकते हैं। विरोध नीतीश कुमार का है, के पाठक का, सभी का विरोध। हम लोग बिहार सरकार का है, हम लोग चाह रहे हैं कि एग्जाम ना दे और दे तो अंदर जिला ट्रांसफर, मैंने जहाँ एक्शन का स्थानांतरण हो, एक्शन का स्थानांतरण चाह रहे हैं। आज मशाल जुलूस आगे 13 तारीख को पटना में हम लोग का धरना प्रदर्शन है, विधानसभा का घेराव है। आगे फिर क्या होगा? आगे आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, एक हैं। का ये मशाल जुलूस है क्यों? राज्य स्तरीय हम लोगों का कार्यक्रम है चरणबद्ध आंदोलन का, उसी क्रम में आज मशाल जुलूस निकाला गया है पूरे कटिहार में। क्या है मामला, क्या है किस मामला है? हम लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम लोग का विभागीय परीक्षा होना चाहिए जिसमें के जो बैठे हैं उनको प्रमोशन दिया जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार उल्टे हम लोगों का स्थानांतरण की बात कर रही है, प्लस परीक्षा में जो पास नहीं करेंगे उनको नौकरी से हटाने की बात होगी। जिस समय नियोजन हुआ था हम लोग का नौकरी 60 साल के लिए हुआ था, तो इस तरह का जो सरकार की नीति है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में स्थानांतरण को ऐच्छिक करना होगा, और परीक्षा हम लोग जो चाहेंगे उसमें राजकर्मी के लिए वो देंगे, उसमें नौकरी से हटाने का ये सब हम लोग को मंजूर। आज मशाल जुलूस है, कल क्या होगा? कल हम लोग का कोई कार्यक्रम नहीं है, 13 को हम लोग का विधानमंडल का घेराव। कितने आप लोग शिक्षक हैं? अभी तो हम लोग 2,500-4,000 शिक्षक हैं यहाँ मौजूद। क्या नाम है? समा हुआ मेरा नाम, सदस्य है हम शिक्षक मंच बिहार। क्या आपको कमर और कमर के नीचे दोनों या एक पैर में दर्द या झिनझिनाहट रहता है या नसों में होती है दर्द, तो आपको साइटिका हो सकता है। अब पाएं सटीक इलाज, जल्द संपर्क करें सत्येंद्र प्रसाद, ग्राम पुष्ट बरेजा, थाना माझी, जिला सारण, बिहार, या अभी संपर्क करें, मोबाइल नंबर है 9931252609।